तो भाई हम चले हैं मेहंदीपुर बालाजी से श्री सालासर में, जो बालाजी का मंदिर स्थित है वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये आपको बता दें कि जो आप सालासर, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सालासर आप लोग बाय ट्रेन, बस से या किसी भी तरह आ सकते हैं, अपना पर्सनल व्हीकल लेके। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो लक्ष्मणगढ़ तक ट्रेन आती है, तो लक्ष्मणगढ़ से बस मिल जाती है बिल्कुल मंदिर की, बालाजी के मंदिर की। तो वहाँ से आप लोग टिकट लेके और बस में आ सकते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए सालासर गांव में। लक्ष्मणगढ़ से मुश्किल से 40 से 45 मिनट का रास्ता है और 40-50 रुपये किराया लगता है बस से। काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर पर्सनल व्हीकल में आ रहे हैं आप लोग तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये हम मार्केट के अंदर आ चुके हैं सालासर श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं तो बस स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। बस स्टैंड से आप लोग पैदल चल के, बस सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय करनी है आपको पैदल चल के, और आपको दर्शन होंगे श्री बालाजी महाराज के, जो कि सालासर में स्थित है। जी भाई, यहाँ पे भी इतनी भीड़ भड़ाका नहीं है, यहाँ पे भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल मंदिर दिखाई दे रहा है श्री बालाजी महाराज का। बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। ये मेन गेट है मंदिर का, जहाँ पे हम, आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा होगा। भाई यहाँ पे भी हमें बिल्कुल आराम से दर्शन हो गए बाबा जी के। ये यहाँ पे मेन मंदिर है जहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अंदर वीडियोग्राफी या फोटो लेना अलाउड नहीं था, तो बाहर से ये फोटो देख सकते हैं आप। ये मंदिर के अंदर की ही फोटो है बालाजी महाराज की। तो बालाजी सबके संकट काटें और सबको सुख शांति प्रदान करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ब्लॉग को, तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते हैं, घर बैठे दर्शन करवाते हैं आपको, तो लाइक जरूर कर दीजिए करें। तो हम वापस जा रहे हैं, तो बोलिए जय श्री बालाजी महाराज। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के ब्लॉग आगे देखने के लिए।